अभी हाल ही में राज्यसभा के अंदर जो हंगामा हुआ और उसके बाद आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह और उनके साथ बाकी के जो 7 एमपी थे वो राज्यसभा में ही गांधी जी की मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट पर बैठ गए और जहां पर वो कल पूरी रात प्रोटेस्ट पर बैठे रहे और सुबह राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह उनके लिए चाय लेकर जाते हैं, लेकिन असल में वो प्रोटेस्ट ही उनके खिलाफ कर रहे थे तो वो उनसे चाय कैसे ले सकते थे, इसीलिए उन्होंने उनसे चाय लेने से मना कर दिया। और उसके बाद कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद के दखल के बाद ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ और वो लोग अपने घर गए। लेकिन असल में वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे और असल में ये सारी कहानी क्या है, तो इन सबको शुरुआत से लेकर चलते हैं। असल में अभी हाल ही में जो सरकार किसानों के लिए 3 नए कानून लेकर आई है उसके बारे में पूरे देश में किसानों के अंदर हलचल मची हुई है और वो पूरे देश के अंदर इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी को देखते हुए आने वाली 25 तारीख को वो भारत बंद आंदोलन जैसे आंदोलन करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन ये 3 जो कानून थे असल में ये अभी तक कानून हुए नहीं है क्योंकि ये बिल की शक्ल में अभी तक सिर्फ लोकसभा से ही पास हुए थे और इनको कानून बनने के लिए राज्यसभा से भी पास होना जरूरी था। अब लोकसभा में तो सरकार के पास बहुमत था इसलिए उन्होंने वहां से उसे पास करवा लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था और वहां पर अपोजिशन के काफी लीडर्स इस बिल के अगेंस्ट थे, तो यहां पर वो बिल जो है वो कानून बनने से पहले ही फेल हो जाता। तो अब सरकार के सामने ये चुनौती थी कि वो राज्यसभा से इन बिल को कैसे पास करवाती है। अब राज्यसभा में ये बिल कैसे पास होते इसके लिए वहां पर एक प्रावधान होता है। जब भी कोई बिल कानून बनने के लिए राज्यसभा के अंदर लाया जाता है तो उसके अंदर फैसला होता है कि वो बिल कानून बनने के लायक है भी या नहीं, और ये फैसला कैसा होता है इसके लिए राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो आपस में ही वोटिंग करते हैं। अब ये वोटिंग जो होती है ये 2 तरह से होती है, एक होती है वॉइस वोट और एक होती है डिवीजन। अब वॉइस वोट के अंदर क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स राज्यसभा के अंदर मौजूद हैं वो सब अपनी आवाज से ही बोल के या अपनी सहमति या असहमति दर्ज कराते हैं कि भैया हम इस बिल के अगेंस्ट हैं या इस बिल के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर वॉइस वोट को बहुत ही कम मान्यता दी जाती है। इसकी वजह यह है क्योंकि वॉइस वोट जब होता है तो कई सारे लीडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चीख चीख कर हाँ या ना का जवाब देते हैं, तो जिसकी वजह से असली इशू जो है वो पता नहीं चल पाता कि असल में किसकी हाँ ज़्यादा है और किसकी ना ज़्यादा है। और इसीलिए अगर राज्यसभा के अंदर कोई भी एक मेंबर भी इस वॉइस वोट से खुश नहीं है तो वो इस वोट से आने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको डिवीजन के लिए भेज सकता है। मतलब वो ये कह सकता है कि भैया हम जो है वॉइस वोट से जो फैसला आया है उससे खुश नहीं है और अभी आपको डिवीजन कराना पड़ेगा, मतलब कि अभी आपको इस पर फैसला लेने के लिए दूसरी तरह से वोट कराना पड़ेगा। अब डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में एक अलग तरह से कमेटी बनाई जाती है जिसके अंदर कई सारे एक्सपर्ट्स लेकर आए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि भैया ये जो कानून लेकर आया जा रहा है क्या वो सही है या नहीं है, और साथ ही इसके अंदर राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो भी इसके ऊपर दोबारा से और गहराई से इसके ऊपर स्टडी करते हैं कि भैया ये बिल सही है वाकई में या नहीं है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही कहा, अगर कोई राज्यसभा का कोई एक मेंबर भी इस वॉइस वोट से खुश नहीं है तो वो डिवीजन के लिए बोल सकता है और इसका डिवीजन करवाने का फैसला होता है चेयरमैन का। अब चेयरमैन की यहाँ पर अपने आप मर्जी नहीं चलती है, अगर एक मेंबर भी राज्यसभा का ये कह देता है तो उसे डिवीजन कराना ही पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर हरिवंश नारायण सिंह जो कि डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि जब इतने सारे लोग इस बिल के खिलाफ थे तो आपने ये वॉइस वोट के थ्रू इसको पास कैसे कर दिया, मतलब कि जब कई सारी पार्टी के नेता राज्यसभा के अंदर जो मौजूद है जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो लोग वॉइस वोट से खुश नहीं थे और वो लोग डिवीजन की मांग कर रहे थे तो आपने उनकी मांग को क्यों नहीं सुना। अब यहाँ पर एक तरह से ये बताया जा रहा है कि ये जो है लोकतंत्र का एक तरह से गला घोटना है, क्योंकि लोकतंत्र होता ही इसी बात का है कि अगर जब तक उसके अंदर सभी लोगों की राय शामिल नहीं हो जाती तब तक आप उसको कानून बना ही नहीं सकते। लेकिन इसके साथ ही जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनके ऊपर ये भी आरोप है कि जब चेयरमैन ने वॉइस वोट के थ्रू ही इस बिल को पास किया तो उन लोगों ने संसद के अंदर बहुत हंगामा किया और इतना हंगामा किया कि जो डिप्टी चेयरमैन थे उनका माइक तक तोड़ दिया और संसद के अंदर आपस में खूब लड़ाई झगड़े भी किए और इस तरह का जो आरोप है वो सारे जितने भी लीडर्स थे जो इस बिल के अगेंस्ट बोल रहे थे उन लोगों ने इस तरह की हरकतें भी की जो कि कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो चुकी है। तो अब यहाँ पर एक तरह से दोनों ही गलत है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब भारत का संविधान किसी एक राज्यसभा के मेंबर को भी ये इजाजत देता है कि उसके कहने पर भी डिवीजन कराया जा सकता है तो फिर हरिवंश नारायण सिंह जी ने डिवीजन की इजाजत क्यों नहीं दी और इतनी जल्दबाजी में इस बिल को पास क्यों किया। अब इन सब बातों को देखते हुए हरिवंश नारायण सिंह जो कि डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, उनके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा, लेकिन जो बाकी के 8 मेंबर थे राज्यसभा के उनको राज्यसभा से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब अगले दिन जब वो राज्यसभा के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां से उठकर जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो उठकर नहीं जाते, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू नहीं होती। तो इसके बाद आखिरकार उन्हें जाना ही पड़ता है, लेकिन जाने के बाद वो घर नहीं जाते हैं बल्कि वहीं पर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने एक धरना रख देते हैं और वहीं पर चादर वादर बिछाकर बैठ जाते हैं और इतना ही नहीं वो पूरी रात वहीं पर बैठे रहते हैं। यहां पर उनकी मांग ये थी कि जब राज्यसभा के एक मेंबर को भी ये हक है कि उसके कहने पर डिवीजन कराया जा सकता है, मतलब कि आप बिल को पास करने से पहले दूसरी कमेटी के पास भेज सकते हैं कि भैया ये सही है या
या नहीं है, तो उसके बाद भी राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ने डिवीजन क्यों नहीं कराया। फिलहाल वो जो तीन कानून थे उसमें से सिर्फ दो ही कानून कल रात पारित किए गए थे जो कि राज्यसभा के अंदर पास हो चुके हैं, मतलब कि अब वो कुछ ही वक्त के बाद एक्ट बन जाएंगे, कानून बन जाएंगे। और जिस तरह से राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनके ऊपर सवाल उठे हैं कि उन्होंने इस तरह से कानून को जल्दबाजी में पास किया है, वो भी तब जब इतने सारे लीडर्स उसके अगेंस्ट बोल रहे थे। फिलहाल राज्यसभा के जो 8 मेंबर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया एक हफ्ते के लिए, और उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट करने के बाद उन्होंने एक पूरी रात वहां पर गुजारी थी, जिसके बाद गुलाम नबी आजाद जो थे कांग्रेस के लीडर उन्होंने उनको समझाया और उसके बाद वो अपने वापस घर पे चले गए। लेकिन भले ही वो घर पर चले गए हों, लेकिन जितने सारे ऑपोजिशन के जो लीडर थे वो लगातार इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये एक तरह से लोकतंत्र का गला घोटना जैसा है कि आपने कानून को ताक पर रखते हुए इन कानून को पास किया है। फिलहाल अभी की कंडीशन ये है कि जो कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनका कहना यह है कि जो ऑपोजिशन के लीडर्स ने राज्यसभा के अंदर जो हंगामा किया है और जो माइक तोड़ा और इस तरह से वहां पर सारा लड़ाई का माहौल क्रिएट किया, अगर वो उसके लिए माफी मांगते हैं तो उनका जो सस्पेंशन है एक हफ्ते के लिए वो कैंसिल किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन पर कोई भी कॉमेंट्स नहीं की। तो एक तरह से आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि जो सरकार है वो ये कह रही है कि भैया यहाँ पर जो गलती थी वो राज्यसभा के जिन 8 मेंबर्स को सस्पेंड किया गया है उन्हीं की थी, और उन लोगों का और साथ ही उनके साथ जो ओपोजिशन के बहुत सारे लीडर्स हैं उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर गलती जो है वो हरिवंश नारायण सिंह जो कि डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के उनकी है, क्योंकि उन्होंने वॉइस वोट के खिलाफ इतने लोगों के होने के बावजूद भी संसद में इसे इतनी जल्दी के साथ पास किया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या खबर आती है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो मैं उससे आपको अप टू डेट रखूंगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।